हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेलवेट वूल का एक और नया प्रोजेक्ट। ये मैं वेलवेट वूल से एक गर्ल के लिए टॉप बना रही हूँ, जिसका गला मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। मैंने इस टॉप का फ्रंट और बैक पार्ट सेम बनाने हैं, तो ये मैंने एक पार्ट बना लिया है। ये पार्ट बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में 68 फंदे लिए हैं। 68 फंदे लेने के बाद मैंने 1.5 इंच का इसका बॉर्डर बुना है, एक उल्टे एक सीधे का। और उसके बाद मैंने उल्टे सीधे बुनते हुए इसे बॉर्डर समेत 18 इंच तक तैयार कर लिया है। बॉर्डर समेत 18 इंच बुनने के बाद मैंने इसमें रेगलेन कटिंग डाली है, तो इसके दोनों पार्ट सेम बुने जाएंगे। तो मैं आपको दूसरे पार्ट में रेगलेन कटिंग डाल के बताती हूँ कि हमने इसे कैसे तैयार करना है। ये मैंने इसका दूसरा पार्ट भी 68 फंदे डालकर पहले एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर तैयार किया, और फिर उल्टा सीधा बुनते हुए इसे बॉर्डर समेत 18 इंच तक तैयार कर लिया है। अब हम इसमें रेगलिन कटिंग डालेंगे। कटिंग डालने के लिए पहले हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे, तो मुड्ढे की कटिंग के लिए इसमें हम चार चार फंदों की कटिंग करेंगे। पहले हम ये दोनों फंदों को ऐसे उतारेंगे। उतारने के बाद दोनों फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। ये हमारे एक फंदे की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, तो ये हमारे दो फंदों की कटिंग हो गई। फिर तीसरा फंदा, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, ये हमारे तीन फंदों की कटिंग हो गई। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, तो ऐसे ये हमारी चार फंदों की कटिंग हो जाएगी। ये चार फंदों की कटिंग होने के बाद हमने ये सारी सिलाई सीधी बुन लेनी है। ये हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से भी हमने चार फंदों की कटिंग करनी है, तो पहले हम पहले दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। ये 2 का 1 बनाने के बाद अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, ये हमारे दो फंदों की कटिंग हो जाएगी। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, ये हमारे तीन फंदों की कटिंग हो जाएगी। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, तो ऐसे ये हमारी चार फंदों की कटिंग हो जाएगी। और अब हम ये हमारी उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमने दोनों तरफ से चार चार फंदे घटा दिए हैं और ये हमारे पास 60 फंदे रह गए हैं। अब हम रेगलेन कटिंग शुरू करेंगे। तो रेगलेन कटिंग, जैसे मैं आपको ये 2 सिलाइयाँ बताऊंगी, वैसे ही आपने रेगलेन कटिंग करनी है। पहला फंदा बुने, ये ऐसे दो फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं, ये यहाँ हमारे एक फंदे की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने लास्ट के तीन फंदों को छोड़कर बाकी सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। तो ये हमारे तीन फंदे रह गए हैं, इनमें से हमने ये दो फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बना लेना है। 2 का 1 बनाने के बाद लास्ट वाला फंदा सीधा बुने। ऐसे हमने दोनों तरफ से एक एक फंदे की कटिंग कर लेनी है। उल्टी सिलाई में हमने सभी फंदे उल्टे बुनने हैं, कोई फंदा घटाना नहीं है।
अब सीधी तरफ की सिलाई में हम फिर पहले की तरह ही रेगुलर कटिंग करेंगे। ऐसे हमने हर सीधी सिलाई में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए तब तक रेगुलर कटिंग करनी है जब तक कि हमारे पास 32 फंदे नहीं रह जाएंगे। पहले हम 32 फंदों तक इसकी रेगुलर कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बुनना है। ये हमने हर तीसरी सिलाई में रेगुलर कटिंग करते हुए यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ मेरे पास 32 फंदे हैं और अब मैं हर तीसरी सिलाई में इसकी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं हर तीसरी सिलाई में इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरे फंदे जो बाकी बचेंगे कम रह जाएंगे। मुझे 24 फंदे बचाने हैं तो अब मैं इसकी कटिंग हर पाँचवीं सिलाई में करूँगी। ये मेरे पास 32 फंदे हैं तो अब हम इस सिलाई में कटिंग नहीं करेंगे, ये सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली सारी उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब हम ये पांचवी सिलाई में, पहली एक सीधी सिलाई में हमने कटिंग कर दी थी, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बनाई, तीसरी सिलाई हमने सीधी बनाई, चौथी सिलाई फिर उल्टी बनाई और अब इस पांचवी सिलाई में हम फिर हमारी रेगुलर कटिंग करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएंगे, लास्ट के तीन फंदों तक सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। ये फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएंगे और आखिरी का फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने ये हर पांचवी सिलाई में कटिंग करते हुए तब तक बुनना है जब तक हमारे पास 24 फंदे ना रह जाएं और हमारी ये रेगुलर कटिंग 9 इंच तक हो जाए। अब मैं इसे आगे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरे पास 24 फंदे रह गए हैं और ये मेरी रेगुलर कटिंग की लंबाई भी 9 इंच के करीब हो गई है। तो ऐसे ये हमारे दोनों बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे मैं आपको बाजू की बुनाई बताऊंगी। इसके बाद ये मैंने बाजू तैयार की है। बाजू के स्टार्टिंग में मैंने 34 फंदे लिए हैं और 34 फंदे लेने के बाद मैंने 2 इंच तक इसका एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर तैयार कर लिया है। बॉर्डर तैयार करने के बाद मैंने हर सातवीं सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए ये बाजू को तैयार कर लिया है। ये कटिंग तक मैंने इसकी लंबाई 18.5 इंच रखी है। उसके बाद जैसे हमने बॉडी पार्ट्स की रेगुलर कटिंग की थी, सेम वैसे ही हमने बाजू की भी कटिंग करनी है। ऐसे हम ये दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। अब ये मेरे पास दोनों बॉडी पार्ट्स और दोनों बाजू बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो गले की बुनाई करने के लिए पहले हमने चारों पार्ट्स को एक सिलाई पर लेकर आना है। ये मेरे पास एक बाजू है तो अब बाजू के बाद मैं एक पल्ले को इसके साथ जोड़ूंगी। ये बाजू की उल्टी तरफ है तो पल्ले की भी हम उल्टी तरफ की साइड लेंगे और फंदे इस सिलाई में उतार लेंगे। ये एक बाजू हमारा सिलाई पर आ गया है और एक पल्ला। इसके बाद हम फिर दूसरे बाजू को सिलाई पर लेंगे।
ये बाजू के बाद हम ये इस दूसरे पल्ले को सिलाई पर लेंगे। तो ऐसे ये हमारे 24 24 फंदे पल्लों के और 20 20 फंदे बाजू के टोटल 88 फंदे हो गए हैं। लेकिन इसका मैंने जो गले का डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मुझे तकरीबन 120 फंदे चाहिए। 120 फंदे से एक दो फंदा कम और ज़्यादा हो सकता है। तो 120 फंदे करने के लिए हम इस पहली सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम फंदे बढ़ाते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के लिए ये एक फंदे से हम दो फंदे बनाएंगे। पहले फंदे को पीछे से बुनकर एक फंदा बनाएंगे और फिर फंदे को आगे से बुनकर एक फंदा बनाएंगे। ऐसे हम ये एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे। उसके बाद हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ा लेंगे। पहले एक बार पीछे से बुनेंगे और फिर एक बार आगे से। इसके बाद फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे और फिर फंदा बढ़ाएंगे। पहले एक फंदे को पीछे से बुनकर एक फंदा बनाएंगे, फिर उसी फंदे को आगे से बुनकर एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे हम दो दो फंदों के बाद इस पूरी सिलाई में फंदों को बढ़ा लेंगे। ऐसे हमने ये पल्ले के फंदों में हर तीसरे फंदे में बढ़ाते हुए फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इसके साथ हम ये बाजू जोड़ेंगे और बाजू के भी ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे। ये पल्ले में हमने दो फंदे सीधे बुन लिए हैं और दो फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने एक फंदे से दो फंदे बनाने हैं। ये एक फंदे से दो बनाने के बाद फिर पहले की तरह ही दो फंदे सीधे बुने और फंदा बढ़ाएं। ऐसे ही हमने दो दो फंदों के बाद फंदा बढ़ाते हुए दोनों बाजू और दोनों पल्लों के फंदे बढ़ा लेने। मैंने इस सारी सिलाई में फंदे बढ़ा लिए हैं। ये अब मेरे पास टोटल 118 फंदे हैं और अब मैं ये 118 फंदों के साथ ही गले की बुनाई करूंगी। गले की बुनाई में एक उल्टे और एक सीधे फंदे की करूंगी। तो मैं ये उल्टी सिलाई से ही बॉर्डर बनाना शुरू करूंगी। तो ये पहला फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। ये एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। ऐसे एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सीधी तरफ से हम जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनते हुए एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बुनेंगे। जैसे पहला फंदा उल्टा है तो हम इसे उल्टा बुनेंगे,
धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे हम ये एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर तैयार करते हुए इस गले को बुन लेंगे। मैं पहले इस गले की बुनाई कर लेती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर तैयार करते हुए मैंने गले की 9 इंच तक बुनाई कर ली है। ये 9 इंच बुनने के बाद अब हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए ये पहला फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अगला फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। ये इसे सीधा बुनने के बाद अब ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे ही एक फंदा बंद हो गया। उसके बाद फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ये ऐसे उतारने के बाद धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हमने सारे फंदों को बंद करना है। जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनकर पीछे वाले फंदे को उतार देना है और जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनकर पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देना। तो ऐसे ये एक एक करके हमने सभी फंदे बंद कर लेने हैं। तो ऐसे ये मैंने गले के सभी फंदों को बंद कर दिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। गले के इस ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सारे कार्डिगन की हम जैसे रेगुलर कटिंग वाले कार्डिगन की सिलाई करते हैं वैसे इसकी सारी सिलाई कर देंगे, बाजू की और पल्लों की। इसकी सिलाई आप मशीन से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। मैं इसकी सिलाई हाथ से ही करूंगी, तो इसकी सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है, दोनों पल्लों की सिलाई कर ली है दोनों तरफ से, दोनों बाजू की और ये रेगलाइन कटिंग की। ये जो हमारा गले का पार्ट है ये हमने ऐसे खुला ही छोड़ना था और अब ये ऐसे जब डालेंगे गले में तो ऐसे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ 3 बटन लगा दिए हैं, ये पहनना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसे आप भी अपनी बेटी के लिए टॉप तैयार कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।